हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुरकुरी कुरकुरी जलेबियाँ। जलेबियाँ तो सभी बनाते हैं, लेकिन क्रिस्पी कुरकुरी नहीं बना पाते। अक्सर जलेबियाँ गीली बन जाती हैं। मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपकी जलेबियाँ हमेशा कुरकुरी बनेंगी, कभी गीली नहीं बनेंगी। बनाने के लिए लिया है 1 कटोरी शक्कर, आधी कटोरी दही, यदि आपका दही खट्टा है तो कम लें, 1 कटोरी मैदा, ये फूड कलर, आप इसकी जगह हल्दी भी ले सकते हैं या विदाउट कलर के भी बन सकती है, 1 चम्मच घी, इससे जलेबी बहुत अच्छी कुरकुरी बनती है, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, आधी चम्मच नींबू का रस, इससे चाशनी जमती नहीं है, आवश्यकता अनुसार पानी, रिफाइंड ऑयल या घी, इलायची पाउडर। हम जलेबी का पेस्ट तैयार करते हैं। मैदा लिया, अब इसमें दही डालते हैं। ये इंस्टेंट जलेबी है, इसलिए मैंने दही का यूज किया है। अगर आपको जलेबी तुरंत नहीं बनानी है तो बिना दही के भी बना सकते हैं। सोडा डाल दिया। दही डालना आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको दही वाली जलेबी अच्छी लगती है तो आप इसमें यूज करें अथवा ना करें। बिना दही के भी जलेबियां अच्छी लगती हैं, लेकिन बिना दही वाली जलेबियों के लिए इसके पेस्ट को 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है और सोडा थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद पानी डालना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि ये ज्यादा गीला ना हो पाए। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर फूड कलर ऐड करना है। ये देखिए, ये हमने घी डाल दिया। घी डालने से जलेबियां अपने शेप में रहती हैं और कढ़ाई में फैलती नहीं है। इस पेस्ट को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है ताकि एयर बबल ना रहे और पेस्ट हल्का हो जाए, तभी ये कुरकुरी बनेंगी। पेस्ट को कम से कम आधा घंटे के लिए रखना जरूरी है, तब तक चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1 बड़ी कटोरी चीनी डाला और 1 गिलास पानी डाला। अब गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। नींबू का रस डाल दिया, इससे चाशनी जमती नहीं है। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया। 5 से 7 मिनट के लिए पकने दिया। चाशनी को इस तरह से उंगलियों के बीच में लिया। चाशनी की एक लाइन चिपक कर बन रही है, इसका मतलब एक तार की चाशनी जलेबी के लिए तैयार है। ये देखिए, चम्मच से स्मूथली नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गाढ़ा हो गया है, इसे स्मूथली नीचे आना चाहिए। जरा सा पानी ऐड किया। देखो, पेस्ट को भरने के लिए दूध का पैकेट लिया है, आप सॉस का बॉटल भी ले सकते हैं। इसे टाइट भर लीजिए और एक कट करिए। जलेबी की मोटाई आपके कट के अनुसार होगी, इसलिए कट सावधानी से लगाएं। अब थोड़ा सा पेस्ट डालकर देख लें कढ़ाई तैयार है या नहीं। ध्यान दें, कढ़ाई मीडियम फ्लेम में ही रखें। कम आंच में सेकने से कड़ी हो जाएंगी और तेज में सेकेंगे तो जलने का डर होगा। ये देखिए, गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी जलेबियां तैयार हो रही हैं। इन्हें थोड़ा सा रेड होते तक सेकेंगे। ये थोड़ा रेड रेड हो जाएंगी, उसके बाद ही पलटाएंगे। अच्छे से दोनों तरफ सेक लें और चाशनी में डालते जाएंगे। ये देखिए, ये जो रेड हो रही है, रेड रेड को लेते जाएंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। हम चाशनी में 5 से 10 सेकंड के लिए ही जलेबी रखेंगे, तभी क्रिस्पी रहेंगी जलेबियां। आप चाहें तो ज्यादा देर तक भी रख सकते हैं। जलेबी के साथ समोसा बहुत अच्छा लगता है। समोसा बनाने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।
ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी कुरकुरी जलेबियाँ बनकर तैयार हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।